हम एमएस वर्ड में क्या मैक्रो क्रिएट करना चाहते हैं। मैक्रो किस लिए यूज़ होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, हम एप्लीकेशंस बनाएंगे, कुछ एडिट करेंगे, कुछ राइट करेंगे, तो वो सारा एट लास्ट हम किसी भी पेज पे देख सकते हैं। ओके, न्यू डॉक्यूमेंट कर ओपन करके भी उसे देख सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं ये हम देखते हैं। व्यू मेन्यू पे जाके सब मेन्यू मैक्रो पे क्लिक करते हैं, देन रिकॉर्ड मैक्रो। ओके, देन हमको मैक्रो का नाम देना होता है। जैसे मैंने मैक्रो का नाम दिया मैक मैक रिकॉर्ड डिंग। ओके, मैक रिकॉर्डिंग मैंने एक मैक्रो का नाम दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसा डेटा बनाऊँ जो मुझे फर्दर रिक्वायरमेंट में हो। हो सकता है मुझे 5 दिन बाद उसकी ज़रूरत हो, कुछ ऐसा सेव हो जाए डेटा। ओके, तो मैं चाहूँगी कि कंप्यूटर्स के बारे में मैं कुछ नोट करके रखूँ जो मुझे फिर से याद नहीं करना पड़े कि मैंने क्या रिकॉर्डिंग करी थी। ओके, मैंने क्या डेटा फीड करा था। तो मान लीजिए मैं लिख रही हूँ, कंप्यूटर, इसका कलर हटा देते हैं, नो कलर कर देते हैं। ठीक है, इसको मिड में ले लेते हैं अपन। हम लिख रहे हैं इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। ठीक है, मैं बोल्ड का यूज़ कर लेती हूँ। फर्स्ट इज हार्डवेयर, सेकंड इज सॉफ्टवेयर। ओके, तो टेक्स्ट कलर मैंने इसमें ले लिया है वाइट, ए पे क्लिक करके, और एक हाइलाइटर रेड कलर का यूज़ कर लिया, और मैंने ये टेक्स्ट लिखा है। ओके, अब मैं इस टेक्स्ट की क्या कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं इसे अदर एप्लीकेशन जब हम ओपन करें तो हो सकता है मुझे इसकी रिक्वायरमेंट हो जाए और मैं इसे मैक्रो को ओपन करके मैं मेरी रिकॉर्डिंग को देख सकूँ। ठीक है, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है। अब मैं इसी डेटा को क्या करना चाहती हूँ, सेव करना चाहती हूँ। तो अगेन मैं व्यू पे जाके मैक्रो पे क्लिक करने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगी। ओके, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी। मान लीजिए अब मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर रही हूँ। ये मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करा, मेरा उस डॉक्यूमेंट का काम हो गया था। एक मैंने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करा है, ठीक है, ये मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करा है, और मैं चाहती हूँ मैंने जो प्रीवियसली काम करा था, जो मैक्रो क्रिएट करा था, वो इस पेज पे आ जाए। ओके, वो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की सारी इस पेज पे आ जाए। तो बाय यूजिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी हैव वन मोर एप्लीकेशन, लाइक हम उस सारी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने प्रीवियसली पेज क्रिएट करा था। कैसे देखेंगे, व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे, देन मैक रिकॉर्डिंग मैंने बनाई थी, और रन कर देंगे। तो आप देख रहे हो ये दूसरे पेज पे भी जो मैंने क्रिएट करा था पेज, वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, एट लास्ट फाइनली जो पेज बनता है हमारा, वो पूरा हाईलाइट करके दिखा देता है। ठीक है, यही मैक्रोज है। ठीक है, तो ये एमएस वर्ड की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। व्यू मेन्यू पे जाके मैक्रोज। ओके, तो रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो जाती है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्रो का नेम देके। ओके, और उसको फर्दर किसी भी पेज पे हम मैक्रो को अगेन देख सकते हैं।
ठीक है, व्यू मैक्रोस पे जाके हम मैक्रोस को रन कराने के बाद हमारे मैक्रोस को देख सकते हैं, राइट? इससे रिलेटेड कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है।